नमस्कार, आपका स्वागत है वैदिक भारतवर्ष में। प्राचीन काल से ही जब तप भारतीय पूजा पद्धति का अभिन्न अंग रहा। अगर जप की बात की जाए तो माला की आवश्यकता होती है। शास्त्रानुसार 108 दानों की माला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जप के लिए माला तुलसी, वैजयंती, मोतियों, नगों या रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल किया जा सकता है। रुद्राक्ष की माला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि रुद्राक्ष में कीटाणुनाशक शक्ति के अलावा विद्युतीय एवं चुंबकीय शक्ति पाई जाती है। माला में 108 दाने ही क्यों होते हैं, इस विषय में योग चूड़ामणि उपनिषद में कहा गया है। इसके पीछे कई धार्मिक, ज्योतिष एवं वैज्ञानिक मान्यता है। तो आइए कुछ ऐसी ही मान्यताओं के बारे में चर्चा करते हैं। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति हर मिनट 15 बार सांस लेता एवं छोड़ता है। इस तरह एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में 21,600 बार सांस लेता और छोड़ता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे दैनिक कार्य में व्यतीत हो जाते हैं। शेष बचे 12 घंटों में देव आराधना करनी चाहिए, अर्थात अपनी 10,800 सांसों का उपयोग हमें अपने इष्ट देव के स्मरण के लिए करना चाहिए। पर यह हर किसी के लिए संभव नहीं होता, इसलिए अंतिम दो शून्य हटाकर 108 सांसों में ही प्रभु स्मरण की मान्यता प्रदान की गई है। ज्योतिषानुसार ब्रह्मांड 12 भागों में विभाजित है। 12 भागे अर्थात हमारी 12 राशियां, जिनके नाम क्रमशः मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन है। इन 12 राशियों में 9 ग्रह अर्थात सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु विचरण करते हैं। अतः ग्रहों की संरचना और राशियों की संरचना को आपस में गुणा किया जाए तो 108 की प्राप्ति होती है। यानी माला के 108 दाने संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्योतिष शास्त्रानुसार 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 नक्षत्रों के कुल चरण 108 होते हैं। तो माला का एक एक दाना एक एक चरण का भी प्रतिनिधित्व करता है। 108 का संबंध सिर्फ अध्यात्म से ही नहीं बल्कि विज्ञान से भी है। 108 दाने और सूर्य की कलाओं का गहरा संबंध है। एक वर्ष में सूर्य 216,000 कलाएं बदलता है। 6 माह उत्तरायण और 6 माह दक्षिणायन। अतः सूर्य 6 माह की एक स्थिति में 108,000 बार कलाएं बदलता है। इसी संख्या 108,000 के अंतिम 3 शून्य हटाकर माला के 108 मोती निर्धारित किए गए हैं। माला का एक एक दाना सूर्य की एक एक कला का प्रतीक है। सूर्य एकमात्र साक्षात दिखने वाले देवता हैं। इसी वजह से सूर्य की कलाओं के आधार पर दानों की संख्या 108 निर्धारित की गई। अंगिरा स्मृति में माला का महत्व कुछ इस प्रकार बताया गया। वीना दशमेश कृत्यम सच्चिदानम विनोदकम असंख्यता तु यजत्तुम तत्सर्व निष्फल भवेत। अर्थात बिना कुश के अनुष्ठान और बिना माला के संख्या विहीन जप निष्फल होता है। मंत्र जप निर्धारित संख्या के आधार पर किया जाए तो श्रेष्ठ रहता है। माला के साथ किए गए जप से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए जप में माला का उपयोग किया जाता है जिसमें 108 दाने होते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आप अपना प्रेम, सहयोग एवं आशीर्वाद हमें प्रदान करेंगे, गलतियों के लिए क्षमा करेंगे। धन्यवाद। आज्ञा दीजिए।